नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे 3 मेजर इश्यूज की जो तलोजा में घर लेने से पहले हमारे सामने आते हैं। फर्स्ट, एयर पोल्यूशन ड्यू टू MIDC, सेकंड, वाटर सप्लाई प्रॉब्लम एंड थर्ड, पावर कट प्रॉब्लम। तो चलिए इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, एयर पोल्यूशन ड्यू टू MIDC, जिसका लिंक तलोजा के हिस्ट्री से जुड़ी हुई है। तो इसे समझने से पहले तलोजा के हिस्ट्री को समझना पड़ेगा, तो चलो इसके हिस्ट्री में चलते हैं। मुंबई के बाहर एक छोटा सा गाँव था जिसका नाम था तलोजा, जो अब नई मुंबई का एक पार्ट है। ये गाँव पहले शांत और हल्का आबादी वाला था, जहाँ पहले फार्मिंग होती थी, जिसके वजह से ये इलाके में हर तरफ ग्रीनरी थी। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला, मुंबई जो उस टाइम बॉम्बे के नाम से जाना जाता था बढ़ता जा रहा था, शहर का साइज बढ़ने लगा और नए इंडस्ट्रीज को जगह चाहिए थी। तभी सरकार की नजर तलोजा पर पड़ी। तलोजा का लोकेशन एकदम परफेक्ट था, पनवेल हाईवे के पास और इंडस्ट्री के लिए आइडियल जगह। और 1970s में गवर्नमेंट ने यहाँ एक इंडस्ट्रियल जोन बनाने का प्लान किया। तलोजा में नए फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज लगने लगे। तलोजा अब वो वाला तलोजा नहीं रहा, अब वो एक इंडस्ट्रियल हब बन चुका था। अब तलोजा में हर जगह इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश होने लगे थे, जो आगे चल के तलोजा के एनवायरमेंट को अफेक्ट करने वाले थे। आज की बात करें तो तलोजा के आसपास इंडस्ट्रियल एरियाज होने की वजह से यहाँ कुछ पोल्यूशन, नॉइज और अनप्लेजेंट ऑडर्स का इश्यू कभी कभी महसूस होता है, जो ज्यादातर शाम के वक्त होता है। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि MPCB महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो तलोजा MIDC एरिया में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गाइडलाइंस बनाती है, और NGT नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जैसे दूसरे बॉडी के साथ मिलकर टू कंट्रोल द पोल्यूशन नियर बाय इंडस्ट्रियल एरिया। ये इनिशिएटिव इसलिए लिया गया है ताकि तलोजा के लोगों को पोल्यूशन से कुछ राहत मिले। MPCB ने इंडस्ट्रीज को अपग्रेड और मॉडर्नाइज करने में भी मदद कर रही है ताकि पोल्यूशन का असर कम हो। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसे भी थे जो गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रही थी, जिस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया और उन्हें बंद भी किया गया। इसके अलावा MIDC इंडस्ट्रियल जोन में ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाए गए हैं, जिससे पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके और आसपास की ग्रीनरी और रिवर को बचा सके। अब सेकंड बात करते हैं वाटर सप्लाई प्रॉब्लम की। पिछले कुछ सालों से तलोजा वाटर सप्लाई इश्यूज का सामना कर रहा है, जिसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि फर्स्ट, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। तलोजा का जो एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रैपिडली हो रहे अर्बन डेवलपमेंट और पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ पेस नहीं बना पा रहा है। पाइपलाइंस और रिजर्वायर्स के डिमांड के हिसाब से एक्सपांड और अपग्रेड नहीं किया गया है। सेकंड, इरेगुलर वाटर सप्लाई। कई रेसिडेंट को पानी का स्केड्यूल इरेगुलर मिलता है, जिसमें दिन के सिर्फ कुछ घंटों के लिए पानी मिलता है या कई दिन बिल्कुल नहीं मिलता। ये इनकंसिस्टेंसी रेसिडेंट की सबसे कॉमन कंप्लेंट्स में से एक है। थर्ड, वाटर शॉर्टेज ड्यूरिंग समर्स। गर्मी के महीनों में यह प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है, जब पानी की डिमांड बढ़ती है लेकिन सोर्स जैसे डैम्स या रिवर्स से सप्लाई कम हो जाता है। फोर्थ, डिपेंडेंसी ऑन टैंकर्स। अनरिलायबल सप्लाई की वजह से कई रेसिडेंट्स और इंडस्ट्रीज को वाटर टैंकर पर निर्भर रहना पड़ता है। फिफ्थ, पुअर वाटर क्वालिटी। जब पानी मिलता भी है तो कभी कभी उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, जिसमें कंटामिनेशन, मडी वाटर या फॉल्स मिल की शिकायतें आती हैं। एंड लास्ट है डिलेज इन सिडको प्रोजेक्ट। सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सिडको, जो नई मुंबई के कई हिस्सों के वाटर सप्लाई के लिए जिम्मेदार है, अपने क्रिटिकल वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काफी बार देर करती है, जो इस सिचुएशन को और बिगाड़ देती है। अब इनकी सोल्यूशन की बात करें तो तलोजा में पानी की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने नए पानी सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी शुरू की है, जिसमें 600 करोड़ रुपीज का वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट शामिल है। अथॉरिटीज अल्टरनेटिव सोर्सेज जैसे कुंडलिका नदी से पानी लेने के ऑप्शन को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। सिडको और PMC के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ाने और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सुधारने पर भी चर्चा चल रही है। और इसके साथ PMC के एक ऑफिसर ने बताया कि वो पानी रिजर्व करने के लिए एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिसके लिए स्टेट गवर्नमेंट से फाइनेंशियल एड की मांग की है, जिसमें 90 किलोमीटर पाइपलाइन बिछानी होगी और ये प्रोजेक्ट का रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के पास भेजा गया है। तो देखते हैं गवर्नमेंट इस पे क्या एक्शन लेती है। अब लास्ट बात करते हैं पावर कट प्रॉब्लम की। तलोजा में रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स काफी बढ़ गए हैं। इससे इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है और लोकल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर उतना स्ट्रांग नहीं है कि वो इस सडन लोड को हैंडल कर सके। इस वजह से फ्रीक्वेंट पावर कट्स हो रहे हैं। तलोजा के कुछ एरियाज अभी भी पुराने इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड कर रहे हैं, जिससे टेक्निकल फॉल्ट्स या ब्रेकडाउन के ज्यादा चांसेस होते हैं।
रेगुलर मेंटेनेंस इश्यूज की वजह से भी पावर आउटेजेस होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे रोड कंस्ट्रक्शन, मेट्रो प्रोजेक्ट्स और न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के दौरान कभी कभी इलेक्ट्रिकल लाइंस डैमेज हो जाती है, जो पावर कट्स का कारण बनता है। ये एक्सीडेंटल डैमेजेस होते हैं जो लंबे समय तक चलने वाले पावर कट्स का कारण बन सकते हैं। एंड इसके सोल्यूशन पे भी काम चल रहा है, जिसमें नए प्रोजेक्ट्स में डेडिकेटेड पावर बैकअप सिस्टम्स को इंक्लूड किया जा रहा है, जैसे डीजल जनरेटर्स और इन्वर्टर्स। ये इंश्योर करते हैं कि इवन ड्यूरिंग पावर कट्स, लिफ्ट्स, लाइट्स एंड अदर एसेंशियल सर्विसेज अनइंटरप्टेड चल सके। बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स में भी सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करके पावर कट्स के इम्पैक्ट को रिड्यूस किया जा सके। सोलार एनर्जी डे टाइम में काफी यूजफुल होती है और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी कम होते हैं। हाई क्वालिटी वायरिंग और ट्रांसफॉर्मर्स का यूज किया जा रहा है, जो ओल्डर प्रोजेक्ट्स से बेटर होते हैं। इससे ग्रिड पे पावर फ्लक्चुएशन का इम्पैक्ट कम होता है और पावर सप्लाई ज्यादा रिलायबल होती है। डेवलपर्स लोकल पावर कंपनीज जैसे MSEDCL के साथ मिलके काम कर रहे हैं, ताकि प्रोजेक्ट्स के लिए डेडिकेटेड पावर लाइन और ट्रांसफॉर्मर्स इंस्टॉल किए जा सके। इससे पावर सप्लाई ज्यादा स्टेबल होती है और फ्रीक्वेंट पावर कट से बचा जा सकता है। तलोजा में नए पावर ग्रिड्स और सब स्टेशन का काम हो रहा है, ताकि लोड को बेटर हैंडल किया जा सके और फ्रीक्वेंट पावर कट्स को रिड्यूस किया जा सके। और इसके साथ गवर्नमेंट के कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी लाइन में हैं, जो तलोजा और सराउंडिंग एरियाज के लिए डेडिकेटेड पावर लाइंस प्रोवाइड करेंगे। इससे लॉन्ग टर्म में पावर सप्लाई ज्यादा रिलायबल हो जाएगी।